पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण ब्रह्मसूत्र 2.1.12 बामती टीका पृष्ठ 563। तथापि स्यात् कार्यान्तराणि पिंड कपाल शर्करा चूर्ण कण प्रभृतीनि कुंभम व्यवदधते तथा कुंभस्य पारोक्ष्यम् कदाचित् इति तन्ना तस्य कार्यजातस्य कारुणात्मना सदातनत्वेन सर्वदा व्यवधानेन कुंभस्यात्यन्तानुपलब्धि प्रसंगात् कदाचित् कत्वे वा कार्यजातस्य न कारणात्मत्वं नित्यत्वानित्यत्वलक्षणविरुद्धधर्मसंसर्गस्य सौपर्बिन्दि चाहिए। भेदकत्वात् नारायण पूर्व पक्ष चल रहा है। वैशेषिकों नैयायिकों को सत्कार्यवाद अमान्य है, असत्कार्यवाद मान्य है। उनकी दृष्टि में कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का कारण में अभाव रहता है, अतएव कारक व्यापार के द्वारा अपूर्व कार्य की निष्पत्ति होती है। वैनाशिक तो कारण को ही असत मान लेते हैं, लेकिन अर्धवैनाशिक के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वो वैशेषिक कारण में कार्य को असत मानते हैं। असत कार्य की कारक व्यापार के द्वारा उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करते हैं। इस पर सांख्यवादी जो सत कार्य को मानने वाले हैं उनका पक्ष होता है, अभाव तो व्यापक है ऐसी स्थिति में, घटाभाव सर्वत्र है तो मृत्तिका का ही घटोत्पत्ति के लिए घट के संपादन के लिए चयन क्यों किया जाता है।
तिल प्राप्त करने तेल प्राप्त करने के लिए तिल इत्यादि का ही ग्रहण क्यों किया जाता है? मक्खन प्राप्त करने के लिए दधि का चयन ही क्यों किया जाता है? इसका अर्थ यह है कि अभाव सर्वत्र सुलभ होने पर भी यदि तत्त पदार्थ में पहले से ही संभावित कार्य की विद्यमानता न हो तो प्रेक्षावान चतुर व्यक्ति जिस कारण से जिस कार्य की निष्पत्ति होनी है उस कारण का चयन न करे। गौड़पादाचार्य महाभाग ने तटस्थ रीति से दोनों के पक्षों को सुनकर यह निर्णय दिया। मांडूक की कारिका के अनुसार बोल रहा हूँ, आपका कथन भी ठीक, दोनों मिलकर हमारे पक्ष का ही अनुमोदन कर रहे हैं। ना सत्कार्यवाद सिद्ध है, ना सत्कार्यवाद सिद्ध है, अनिर्वचनीय कार्य की उत्पत्ति सिद्ध है। लेकिन यहाँ पर सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से वेदांति भी सत्कार्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्कार्य की उनकी जो अवधारणा है, मीमांसा है, वह सांख्यों से विलक्षण है। यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में सांख्यों को प्रस्तुत करके वैशेषिक ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। तस्य कार्य जातस्य कारणात्मना कार्य कारणात्मना सदातनत्वेन सर्वदा व्यवधानेन कुंभस्य अत्यंत अनुपलब्धि प्रसंगात। तुमने जो हम पर आक्षेप किया, वैशेषिकों ने आक्षेप कर दिया सांख्यों पर, आपका जो कार्य पदार्थ है क्या उसने मणि मंत्र औषध इंद्रजाल को पाल के रखा है कि जब चाहे तब प्रकट हो जाए, जब चाहे तिरोहित हो जाए? इसका उत्तर देते हैं, जो कार्य जात है माने कार्य समूह है, कारणात्मना कारण रूप से सदा ही विद्यमान रहता है, सदातनत्व न सर्वदा व्यवधान न, अगर उसका सर्वदा व्यवधान ही मानेंगे तब क्या होगा? कुंभस्य अत्यंत अनुपलब्धि प्रसंगात। कुंभ माने घट की कभी उपलब्धि ही नहीं सिद्ध होगी। इसका अर्थ यह है कि कभी दृष्टिगोचर होता है कार्य, जब दृष्टिगोचर नहीं होता है तब कारण भावापन्न या पूर्व कार्य भावापन्न होकर शेष रहता है, यह भी कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि कारण में कार्य विद्यमान रहता है कारण रूप से ही, उस कारण को ही कारकव व्यापार के द्वारा अभीष्ट कार्य तक पहुंचाने के लिए, अभीष्ट कार्य का रूप प्रदान करने के लिए मध्यवर्ती कार्य को क्रमिक रूप से प्रकट किया जाता है। मिट्टी के ढेले को चूर्ण का रूप दिया जाएगा, चूर्ण को फिर क्या किया जाएगा, जल के योग से पिंड का रूप दिया जाएगा, फिर पिंड को शर्करा कपालिका का रूप दिया जाएगा, फिर कपालिका को कपाल का रूप दिया जाएगा, फिर कपालद्वय के संयोग से घट की निष्पत्ति होगी। अभीष्ट कार्य घट मध्यवर्ती कार्यांतर के क्रमिक द्वार से उत्पन्न होता है।
अभाव नहीं होता, तत्त्व रूप में कार्यांतर के रूप में भी वही विद्यमान रहता है, यह अभिप्राय है। कदाचित कर्तव्य व कार्य जातस्य न कारणात्मत्वम्। अगर कदाचित माने कदाचित कभी होता है कभी नहीं होता है, प्राग भाव जैसे मानते हैं वैशेषिक, कार्योत्पत्ति के पूर्व कार्य का भाव ही मान लेते हैं। कदाचित कत्वे वा कार्य जातस्य न कारणात्मत्वम्, कारण रूप से उसका शेष रहना, अवशिष्ट रहना या विद्यमान रहना फिर तो सिद्ध नहीं होगा। कदाचित कह मैंने सदा कार्य की विद्यमानता नहीं है, कारक व्यापार के द्वार से कारण को एक अपूर्व कार्य का रूप प्रदान किया जाता है, अर्थात उस कारण से अपूर्व कार्य की निष्पत्ति होती है। तो कदाचित मान लेने पर कभी होता है कभी नहीं ही होता, तब तो फिर कारण रूप से कार्य की विद्यमानता की कहानी ही दूर हो जाएगी। नित्यत्व अनित्यत्व लक्षण विरुद्ध धर्म संसर्गस्य वेदकत्वात्, फिर तो क्या होगा? नित्यत्व अनित्यत्व इस जंजाल में फंसकर फिर कारण से भेद भी मानेंगे, कारण से भेद भी मानेंगे, तो भेदाभेद को कहीं स्थान ही नहीं मिलता है। भेद है तो अभेद नहीं, अभेद है तो भेद नहीं, भेदाभेद को किस खाने में जाके रखेंगे, संभव ही नहीं है भेदाभेद। यह कहा कारण में नित्यत्व कार्य में अनित्यत्व आदि विरुद्ध धर्म होगा तो भेदाभेद की सिद्धि होगी। भेदाभेद परस्पर विरुद्ध हैं, दोनों युगपत एक साथ रह नहीं सकते, यह बात पहले भी कही जा चुकी है। भेदाभेदयोश्च परस्पर विरोधे न एकत्र सहासंभव, सहासंभव इत्युक्तम बस वामतिकार वाचस्पति में जी कह रहे हैं इस तथ्य को भाष्य के माध्यम से और मेरे माध्यम से पहले भी व्यक्त किया जा चुका है। भेदाभेद परस्पर विरुद्ध, जहाँ भेद तहाँ भेद नहीं, जहाँ भेद नहीं भेद, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम, जहाँ भेद तहाँ भेद नहीं, जहाँ भेद नहीं भेद, तो दोनों कैसे रहेंगे? निम्बार्क संप्रदाय के मान भाव भेदाभेद मानते हैं, एक रकम से अभेद, एक रकम से भेद, एक प्रकार से भेद, एक प्रकार से अभेद। क्या हुआ? घट कुल्लर सकोरे इत्यादि एक प्रकार से क्या है? मिट्टी से उनका भेद है और परस्पर भेद भी प्राप्त है, भेदाभेद की स्थिति हो गई। तो व्यावहारिक धरातल पर फिर वेदांति कहेंगे भेद वास्तव धरातल पर वस्तु स्थिति है अभेद, तो अभेद पारमार्थिक हो गया, भेद व्यावहारिक हो गया, दोनों की एक प्रकार की सत्ता नहीं होगी। सब भेदाभेद का अर्थ क्या है? मृत घट, मृत कपाल, मृत शर्करा ये कहेंगे, तो अभेद हो गया। मृतिका रूप से अभेद है, लेकिन ये जान भी लिया जितने बर्तन हैं पृथक पृथक ये सब मिट्टी से बने हैं, मृद रूप हैं, फिर भी जिस बर्तन को पहले नहीं देखा है उसको लेकर किमिदम यह क्या है? तो विशेष को लेकर प्रश्न कर दिया गया तो भेद भी सिद्ध हो गया। मृतिका रूप से परस्पर मिट्टी के जितने कार्य हैं उनमें अभेद सिद्ध होने पर भी किमिदम, इस प्रश्न का उत्तर जो दिया जाता है परस्पर भेद भी सिद्ध हो गया। क्या ए बराबर सी, बी बराबर सी, तो ए भी बराबर हो गए या नहीं? ऐसे ही इस ढंग से
घट भी मिट्टी, कुल्हड़ भी मिट्टी, सकोरा भी मिट्टी, लेकिन इनका आपस में घट ही कुल्हड़, कुल्हड़ ही सकोरा ही तो नहीं कह सकते। एक दृष्टि से भेद भी है, एक दृष्टि से अभेद भी है। तद भिन्न भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात, तद भिन्न भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात, क्या होगा भरद्वाज कठिन है, तद भिन्न भिन्न से तद भिन्नत्व नियमात। तरंग मालाएं हैं, एक दो तीन चार पाँच, आपस में भिन्न हैं, लेकिन जल रूप से सब अभिन्न भी हैं। क्या जल रूप से अभिन्न है, पांच भाई हो गए, पांचों में भेद है, लेकिन एक ही पिता के पुत्र हैं, तो क्या हो गए, पिता को लेकर अभेद हो गया, परस्पर भेद भी हो गया। ऐसे तस्मात् कारणात् कार्यमेकांतता एव भिन्नम्। जबकि बात ऐसी है, इसलिए कार्य तस्मात् कारणात् इस हेतु से कार्यम एकांतता एव भिन्नम्, कार्य जो है एकांतता भिन्न ही है, अर्थात कारण से भिन्न ही कार्य को मानना चाहिए। कौन बोल रहे है? वैशेषिक, अभी पूर्व पक्षी चल रहा है, अब कौन भिड़ गए आपस में, सांख्यवादी और वैशेषिक नैयायिक, ये परमाणुवादी वैशेषिकों को टिकने नहीं देते अपने सामने, परमाणु ये सांख्यों को अपने सामने टिकने नहीं देते, सांख्यवादी परमाणुवादियों को आरंभवादियों को अपने सामने टिकने नहीं देते, एक दूसरे को पूर्व पक्ष बना लेते हैं, दोनों वेदांत को पूर्व पक्ष बना लेते हैं। ये न च भेदे गवाश्वत कार्य कारण भावानुपत्ति ही थी साम्प्रतम। अब कहते हैं कि कारण और कार्य का भेद है, तो क्या मान लें गाय और अश्व के समान भेद है? ऐसा नहीं, कारण रूप ही कार्य है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कारण मान लो गाय के समान हो, कार्य मान लो अश्व के समान हो, ऐसा भेद भी नहीं मानते। न च भेदे गवाश्वत कार्य कारणा भावा भावानुपत्ति थी संप्रतम। अभेदेपि कारण रूपवत् तदनुपपत्तेः उक्तत्वात्। अभेदेपि कारण रूपवत् तदनुपत्तेः उक्तत्वात्। अब अभेद मान लेंगे सर्वथा, तो कारण रूप से विद्यमान ही है, तो कार्य का व्यापार की सार्थकता नहीं होगी, पृथक से फिर कार्य उत्पन्न करने की आवश्यकता क्यों होगी? नाम रूप प्रदान क्या करना पड़ता है ना, कारण भावापन्न जो कार्य होता है, कारण माने उपादान कारण, उसके नाम और रूप को पृथक से व्यक्त करना पड़ता है, ये सब कार्यवादी कहते हैं। इनका कहना है कि तब तो फिर बंटवारा हो जाएगा, कैसा भेद मानेंगे? तो गाय और अश्व में जैसा भेद है, ऐसा भेद अमान्य है, क्योंकि वहाँ उपादान उपादेय भाव थोड़े है, गाय अश्व का उपादान थोड़े है, उपादान उपादेय भाव को मानते हुए हम वैशेषिक जो हैं कारण और कार्य में भेद को स्वीकार करते हैं। गाय और भैंस के समान, गाय और अश्व के समान भेद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि गाय और अश्व में कारण कार्य भाव नहीं है। अभेदेपि कारण रूपवत् तदनुपत्ते उक्तत्वात्।
अब कहते हैं अभेदय सर्वथा स्वीकार कर लें तो कारण रूप से कार्य विद्यमान ही है, तब तो पृथक से कार्य का व्यापार की सार्थकता नहीं होगी। फिर कार्य को उत्पन्न करो, घट बनाना है, कुंभकार को इतना परिश्रम क्यों करना पड़े? इसका अर्थ क्या है? कारण का चयन भी अपेक्षित है, लेकिन कारण और कार्य में भेद भी अपेक्षित है। इस प्रकार से उपादान का चयन भी सार्थक हो जाता है और कारकव व्यापार की भी सार्थकता हो जाती है। अत्यंत भेदे च कुंभ कुंभकारयोर निमित्त नैमित्तिक नैमित्तिक भावस्य दर्शनात्। अत्यंत भेद होने पर भी कार्य कारण की मीमांसा सध जाती है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर। कुंभकार माने कुलाल, कुम्हार, कुंभ माने घट। अत्यंत भेद है, लेकिन कुंभकार चेतन है, घट जड़ है। मिट्टी को घट का रूप प्रदान करने वाला जो कुंभकार है वो निमित्त कारण है। मिट्टी से निर्मित जो घट है नैमित्तिक है। निमित्त और नैमित्तिक में जैसा भेद है वैसा उपादान उपादेय में भेद नहीं होता। उपादेय का अर्थ क्या हुआ भरद्वाजी? उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम यहाँ पर उपादेय है। उपादेय का अर्थ होता है ग्राह्य। यहाँ पर उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम उपादेय है, और जिसमें समवाय संबंध से कार्य रह जाए उसका नाम उपादान है। निमित्त कारण से निर्मित जो कार्य होता है उसका नाम नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक भाव, उपादान उपादेय भाव, दो प्रकार का कारण हो गया। कुंभकार कुमार मिट्टी को घट का रूप देता है, तब घट में और कुंभकार में नैमित्तिक निमित्त भाव हो गया। निमित्त नैमित्तिक भाव, कुंभकार ने मिट्टी को घट का रूप दिया। मिट्टी घट में कौन सा संबंध हुआ? उपादान उपादेय भाव। और यहाँ क्या विलक्षण है? अभी तो आपस में टकरा रहे हैं। यहाँ विलक्षण है कि परमात्मा ही निमित्त और परमात्मा ही उपादान। कुलाल और मिट्टी एक हो जाए तब जो घट की रचना होगी वो घट कैसा होगा? भरत क्या नाम है महापात्र जी, सुरेश जी, अरे राम, कुलाल माने कुंभकार, कुम्हार जानते हैं? हाँ, कुम्हार ही मिट्टी का काम कर ले फिर जो घड़ा बन जाए वो घड़ा कैसे होगा? हैं? हाँ, ये बात बुद्धि काम कर रहे, बिल्कुल दिव्य होगा। ठीक है, तो जगत क्या है? भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। अब मिट्टी ही ऐसी चमत्कार दिखा दे कि स्वयं को घट का रूप दे दे, कुम्हार भी बन जाए स्वयं, तो जो घट होगा वो भी दिव्य होगा या नहीं? तो जगत को बनाने वाले कौन हैं? बहुत बढ़िया, आपने खीर बनवाया था, मीठा चावल बनाया था, इसीलिए संन्यास नहीं, ठीक है, भोजन बनता रहे। हाँ, बनाने वाले का नाम लेना चाहिए भाई। दाता की जय हो, क्या क्या कहते वैष्णव लोग, 25 मिनट यही बोलते रहते। उनके पिता की जय हो, माता की जय हो, रसोईया पुजारी भंडारी की जय हो, यहाँ ये सब कुछ होता ही नहीं। हैं? हाँ ऐसा, वो तो बस तीर्थों के नाम है। तो क्या हुआ? भगवान ही जगत बनाते हैं, भगवान ही जगत बनते हैं। फिर आकाश पाताल का अंतर क्यों है? बीच में जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बना लेते हैं, द्वार की चमत्कृति है। हैं भगवान ही निमित्त और भगवान ही उपादान।
जगत बनने वाले भी भगवान, जगत बनाने वाले भी भगवान। रामचरितमानस में क्या कहेंगे, जैसिष्ट उपायी त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सिया राम मैं सब जग जानी। क्या हुआ, अभेदेपि कारण रूपवत् तदनुपपत्ते है उक्तत्वात् अत्यंत भेदे च कुंभ कुंभकारयो है निमित्त नैमित्तिका भावस्य दर्शनात्। अत्यंत अभेद अत्यंत भेद ही सिद्ध हो जाएगा। तब दो प्रकार का भेद हो गया, गाय और अश्व का भेद, तो उनमें न निमित्त नैमित्त भाव है न उपादान उपादेय भाव है। लेकिन कुंभकार और घट का जो भेद है उसमें कुंभकार कौन कारण है, निमित्त निर्माता, और नैमित्त कौन है, घट निर्मित होने वाला। तो भेद होने पर भी तालमेल है, गाय और अश्व में तो तालमेल नहीं है, लेकिन कुंभकार में और घट में तालमेल है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। अत्यंत वेदे च कुंभ कुंभकारयो निमित्त नैमित्तिक भाव से दर्शनात् तस्मात् अन्यत्वा विशेषेपि समवाय भेद एव उपादानोपादेय भाव नियम हेतु। तस्मात् अन्यत्वा विशेषेपि, अन्यत्व में अविशेषता होने पर भी समवाय भेद एव उपादानोपादेय भाव नियम हेतु। एक है उपादान, एक है उपादेय। उपादान माने वह मूल मैटर या धातु जो कारक व्यापार के द्वारा कार्य के रूप में परिलक्षित या परिणत हो या उल्लसित हो विलसित हो, उसका नाम उपादान है। कार्य का नाम उपादेय हो गया, समवाय संबंध से उपादान में उपादेय की स्थिति मान्य होगी। यस्या भूत्वा भवता समवायस्तदुपादेयम् यत्र च समवायस्तदुपादानम्। यस्या अभूत्वा भवता समवायस्तदुपादेयम् यत्र च समवायस्तदुपादानम्। यह हुआ, क्या हुआ, अभूत्वा भवता, अभूत्वा भवता। वैशेषिक लोग क्या कहेंगे, असत कार्यवादी होने के कारण असत कार्य भूत घटादि का समवाय उपादान मृत्तिका में होता है। घटादि को उपादेय कहते हैं, समवाय जिस मृत्तिका में है उसको उपादान कारण कहते हैं। इस प्रकार से उपादान उपादेय भाव तो है, लेकिन इसमें कहा कि पहले अविद्यमान होकर कारक व्यापार के द्वारा समवाय कारण उपादान कारण से कार्य विशेष उपादेय की उत्पत्ति की जाती है। वैशेषिक यस्य अभूत्वा भवतः समवाय तदुपादेयम्। जो न हो करके होता हो वही तो उपादेय है। पहले नहीं था कारक व्यापार के द्वारा उपादान कारण के योग से प्रकट कर लिया गया, उत्पन्न हो गया। यत्र च समवायः तदुपादानम्, जिसमें समवाय संबंध से कार्य रह जाए उपादान हुआ, उपादान समवाय कारण। उपादानत्वं च कार्य कारणस्य कार्यादल्प परिमाणस्य अदिष्टम्।
यथा तंतुवादीनाम पटादिपादानानाम पटादिभ्यो न्यून परिमाणात् परिमाणत्वम्। अब अपनी अपनी तो क्या अपनी अपनी गाथा गानी चाहिए ना, ये सब पढ़ने से क्या होता है, बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। लेकिन भगवान के भजन का बल होना चाहिए, नहीं तो सूक्ष्म बुद्धि दूसरे को मूर्ख कहने में या पागल होने में फिर हेतु बन जाती। भगवान का भजन हो। नारद जी उग्रसेन जी ने कहा नारद जी सब जगह पूज जाते हैं, सब प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं, क्या उनमें दिव्यता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है महाभारत में, नारद जी झूठ नहीं बोलते, दिव्यदर्शी हैं, सबके मन की बात जान जाने पर भी किसी को कट नहीं कहते, तू कामी है क्रोधी है लोभी है, किसी की पोल पट्टी नहीं खोलते, उसके हित की भावना रखते हैं और मधुर वाणी में बोलते हैं, अहित किसी का नहीं, प्रयास रहता है कि सन्मार्ग पे चल के भगवान तक मिल जाए, सर्वत्र समदर्शन है। इन सब कारणों से नारद जी श्री कृष्ण के यहाँ भी पूजे जाते हैं तो कंस के यहाँ भी पूजे जाते हैं, क्या चापलूसी के कारण नहीं, दिव्य गुण के कारण। स्वयं भगवान ने 20-25 गुण बताया है नारद जी ने, सबके प्रिय हैं और समाधि उनको बहुत प्रिय है। ये भी है दक्ष ने साफ दे दिया था, उनके बेटों को विरक्त बना दिया, तो जब चाहते हैं कि समाधि लगावें तो साप गति बांध ही, संकल्प से साप गति को बांध देते हैं, नहीं तो साप को स्वीकार करके घूमते रहते हैं। केवल एक जगह उनकी दाल नहीं गलती, कहाँ, श्वेता द्वीप में, वीणा बजाते हुए श्वेता द्वीप जाते हैं नारद जी, वहाँ के जो संत लोग हैं समाधिस्थ रहते हैं, वहाँ भगवान अनिरुद्ध की उपासना होती है, भगवान श्री बन्नारायण अनिरुद्ध रूप में उपास्य होते हैं। कहते नारद जी ज़्यादा देर मत रहिए, भगिए भगिए, आप वीणा पर तान छेड़ते रहेंगे ये समाधिस्थ योगियों को विघ्न पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब कीर्तन भजन वहाँ, कीर्तन ढोल वहाँ नहीं होने चाहिए जहाँ समाधिस्थ व्यक्ति रहें। यहाँ कैसेट भी हम लोगों के यहाँ नहीं बजता है ना, नहीं बजता है। अगर एक कैसेट और माइक का आश्रम बन जाएगा तो कुछ ये सब पाठ चलेगा, विचारक नहीं रह जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को महत्व दिया, गौड़ी संप्रदाय वालों ने क्या किया, कैसेट का रूप दे के अपना सो भी रहे खा भी रहे, तो क्या हुआ, उनके यहाँ तप और विद्या का ह्रास हो गया। शंकराचार्य के यहाँ मठ है ना, कोई समाधि लगाना चाहे, विचार करे राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से, प्रवचन के समय प्रवचन और कैसेट आदि का उपद्रव करने से फिर शंकराचार्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा मठ का। हाँ, ये सब बवाल होता, वो बगल वाला आश्रम इधर माइक कर देता था, तो हमने कहा कि माने ही नहीं, फिर एक बुलवाया 5-7 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि पापी लोग जब सुनेंगे ना कीर्तन तर जाएंगे। हमने कहा हमारे यहाँ कोई पापी नहीं, इधर माइक का मुख मत कीजिए, यहाँ कोई पापी नहीं है, जिधर पापी हो उधर मुख कीजिए। अब वो व्यवस्थित हो गए, नहीं तो बड़ा उपद्रव करते थे, कोलाहल मचाते थे कीर्तन के नाम। इसका मतलब जो माइक जहाँ जहाँ माइक से कीर्तन होता है ना 24 घंटे, वहाँ कोई तपस्वी रहेगा, तपस्वी नहीं रहेगा, विचारक नहीं रहेगा, और खाता रहेगा पीता रहेगा हंसी करता रहेगा, कैसे से कीर्तन होता रहेगा।
विद्या और तप का विलोप चैतन्य महाप्रभु के नाम पे उचित नहीं ना। कितने बड़े तपस्वी थे, कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े त्यागी थे, कीर्तन के नाम पर ही विद्या तप और त्याग का विलोप, यांत्रिक युग को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं। उचित समय पर माइक बस, और अपना कोई भजन करे, राष्ट्र का चिंतन करे, जप करे, विघ्न नहीं, भजन के नाम पे कोलाहल नहीं। हाँ, अब कहते हैं उपादानत्वं च कारणस्य कार्यात् अल्प परिमाणस्य अधिष्ठम यथा तंत्वादीनां पटादि उपादानानां पटादिभ्यो न्यून परिमाणत्वं। कहते सुनो भाई सांख्य देवता, तुम्हारे यहाँ क्या होता है, उत्तर उत्तर जो कार्य होता है पूर्व पूर्व कारण की अपेक्षा क्षेत्रफल में न्यून होता है या अधिक? न्यून। प्रकृति का जितना क्षेत्रफल है उसकी अपेक्षा महत का न्यून, महत की अपेक्षा अहम का न्यून, अहम की अपेक्षा आकाश का न्यून। न्यूनता जो है वो स्थूलता का द्योतक है। ये आकाश की अपेक्षा तन्मात्रा की दृष्टि से वायु का, वायु की अपेक्षा तेज का, तेज की अपेक्षा जल का, जल की अपेक्षा पृथ्वी का। तो ये कहते हैं कारण में सूक्ष्मता होनी चाहिए, परमाणु में अल्पता होगी तब सूक्ष्मता होगी। कौन कह रहे हैं? वैशेषिक। उदाहरण बढ़िया दिया, अपने अनुकूल दे दिया उन्होंने। उपादानत्वं च कारणस्य कार्यादल्प परिमाणस्य दृष्टं यथा तंत्वादीनां पटादि उपादानानां पटादिभ्यो नून परिमाणत्वं। धागे जो होते हैं तंत्वादि, पटादि के उपादान कारण होते हैं तो न्यून परिमाण वाले होते हैं, न्यून परिमाण वाले, सूक्ष्म परिमाण वाले न्यून परिमाण वाले होंगे। न्यून से बृहत, क्रमशः बृहत की उत्पत्ति होगी। दो परमाणुओं के मिल, अतीन्द्रिय दो परमाणुओं के मिलने पर अतीन्द्रिय द्वणु की उत्पत्ति होगी। त्रसरेणु से फिर जाकर इंद्रिय गोचरता आएगी। तो हमारे यहाँ सूक्ष्मता की अवधि कौन है? परमाणु पृथ्वी जल तेज वायु के, वह जगत के आरंभक होंगे, ऐसा कौन कह रहे? वैशेषिक। तुम्हारे यहाँ तो हमारे यहाँ क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? स्थूलता बढ़ती जाएगी। किनकी दृष्टि है? वैशेषिकों। लेकिन भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं केन उपनिषद के भाष्य में? कार्य की अपेक्षा उसके उपादान कारण की विभुता होगी, प्रत्यक्ष रूपता होगी, निरवयवता होगी, सूक्ष्मता होगी। ओ ये क्या कहते? नहीं, अल्प परमाणु परिमाण, अल्प परिमाण से बृहद परिमाण की क्रमशः उत्पत्ति होती है। परिमाण जिसका अल्प होगा वो कौन होगा? सूक्ष्म होगा। इतना मोटा ताजा भैंस जैसा होगा तो फिर क्या होगा? सिक्या पहलवान होगा तो बुद्धि सूक्ष्म होगी। ये वैशेषिक दर्शन है। क्या ये कह रहे? क्या कह रहे? यही कह रहे उपादानत्वं च कारणस्य कार्यात् अल्प परिमाणस्य दृष्टम। उपादानत्व क्या है? कार्य की अपेक्षा कारण अल्प परिमाण में हो तब यथा तंत्वादीनां पटादि उपादानानां पटादिभ्यो न्यून परिमाणत्वं। तंत्वादि जो हैं पटादि की अपेक्षा न्यून परिमाण वाले हैं तो सूक्ष्मता। तो यहाँ क्या है? सूक्ष्मता और विहुता दोनों की पराकाष्ठा हम लोगों के यहाँ। इनके यहाँ क्या है? सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, विभुता न्यून होती जाएगी।
विभुता न्यून होगी तभी सूक्ष्मता बढ़ेगी, ये वैशेषिक सिद्धांत है। चिदात्मनस्तु परम महत् उपादानान्नात्यन्ताल्प परिमाणम् उपादेयम् भवितुमर्हति। चिदात्मनस्तु परम महत् उपादानात्नात्यन्ताल्प परिमाणम् उपादेयम् भवितुमर्हति। यह वेदांतियों का जो चिदात्म तत्व है, माने ब्रह्म तत्व है, बृहत्ता महत्ता नियतिशयम यद बृहत तद ब्रह्म, बृहत्ता महत्ता की पराकाष्ठा है, उसकी अपेक्षा अल्प विभु, उसकी अपेक्षा अल्प विभु कार्य की उत्पत्ति होती जाएगी। ये उल्टी धारा है, ये ठीक नहीं। कौन कह रहे वैशेषिक? सांख्यवादियों को भी लपेट लिया, वेदांतियों को भी लपेट लिया। तस्माद् यत्रेदमल्पतारतम्यं विश्राम्यति यतो न क्षोधियः संभवति तज्जगतो मूलकारणं परमाणुः। तस्माद् जबकि बात ऐसी है, इसलिए यत्रेदम् अल्पतारतम्यं विश्राम्यति, अल्पता क्या तारतम्य जहाँ विश्राम को प्राप्त करता है, इससे अधिक कोई अल्प सूक्ष्म नहीं हो सकता। यह तो न क्षोधी यह संभवति क्षोधक्षेम के बिना, क्षोध उससे हीन परमाणु निम्न परमाणु परिमाण का हो ही नहीं सकता। तद जगतो मूल कारणम, वह जगत का मूल कारण होगा परमाणु, उसको कहेंगे परम अणु। तो क्या हुआ, सूक्ष्मता जितनी बढ़ेगी उतनी क्या होगी, क्षेत्रफल न्यून होता जाएगा सूक्ष्मता सूक्ष्मता से। अब देखते हैं ना, पाँच किलो गुलाब का फूल सेंट कितने होंगे, पाँच किलो गुलाब के फूल से सेंट कितना बनाएंगे। और होम्योपैथ के जो लिक्विड डालते हैं वो कितनी सामग्री का एकदम स्वल्प से स्वल्प परिमाण होते हैं ना सेंट इत्र। ऐसे ही कहते हैं कि बृहत जो पृथ्वी है, संकुचित ज्यों ज्यों होती जाएगी त्यों त्यों क्या हो जाएगी, सूक्ष्म सूक्ष्मता के अवधि पृथ्वी के परमाणु हो जाएंगे, ऐसे जल के परमाणु हो जाएंगे, तेज के परमाणु हो जाएंगे, वायु के परमाणु हो जाएंगे। यतो न क्षोधीय है संभवति तद् जगतो मूल कारणम परमाणु हूँ, जिससे निम्न सूक्ष्म क्षेत्रफल में न्यूनता की अवधि और कोई ना हो, वही जगत का उपादान कारण है। वो कौन है, हम सांख्यों हम वैशेषिकों का परमाणु। क्षोधियोंतरादन्ते तु मेरु राज सरसपयो तुल्य परिमाणत्व प्रसंगोनन्तावयवत्वादुभयो। क्षोधियोंतरानन्त्ये तु, कहीं जाकर सूक्ष्मता की अवधि नहीं मानेंगे तब, एक और सुमेरु पर्वत है, मेरुराज एक और सुमेरु पर्वत है और दूसरी ओर सरसों है, दोनों तुल्य परमाणु परिमाण के सिद्ध हो जाएंगे। कैसे, सुमेरु और कहाँ सरसों कहाँ सुमेरु, लेकिन कहा कि सुमेरु को भी सूक्ष्म 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 भाग करते चलेंगे और सरसों के भी, तो दोनों के परमाणु परिमाण एक हो जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं
सूक्ष्मता की अवधि तो माननी पड़ेगी, उसी का नाम परमाणु है। छोदियोंतरानंत्य तो अनंत तक पहुँचेगा, और परमाणु का भी और विभाजन करो तो मेरु के भी अनंत विभाग हो जाएंगे, और सरसों के दाने के भी, तो दोनों के परमाणु तो परिवार एक हो गए। अनंत अवयवत्वात् उभयोः, दोनों के अनंत अवयव फिर बांधे जानेंगे। तस्मात् परम महतो ब्रह्मण उपादानाद अभिन्नम उपादेयम् जगत कार्यम अभिदधति श्रुति प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधा शास्त्र संवत्सर सत्रगत संवत्सर श्रुतिवत् कथंचित् जघन्यवृत्त्या व्याख्येत्यधिकं शंकमानं प्रति सांख्य दूषण मति दिशति। ये कहा नारायण, परम महतो ब्राह्मण, मिथिला में सत शूद्रों में एक जाति पहले होती थी, महतो महतो महीयान महतो महत, यहाँ संधि को लेकर महतो कहा गया है। सन्नो देवी, एक आर्य समाज जी ने अपनी बेटी का नाम रखा था सन्नो देवी महतो। तस्मात् परम महतो ब्राह्मण, परम महत परिमाण परिमित जो ब्रह्म है। हाँ भाई, ठंड न लग जाए, जाजी को बुखार हो गया। तस्मात् परम महत्व ब्रह्मण उपादानात् अभिन्नम उपादेयम् जगत कार्यम अभिदधति श्रुति। अब कहते हैं कि फिर श्रुति को आप मानते भी हो, और श्रुति को ताक पे रख के विचार भी करते हो, कौन सी चतुराई है, कौन सी आस्तिकता है। कहते हैं भाई, श्रुति हो या कोई श्रुता हो हम तर्क के आधार पर ही सबको मानते हैं। माना कि श्रुति तदैक्षत सईक्षण चक्रे शोकामयत बहुश्याम प्रजायेय तदात्मान स्वयंकृत सर्व खलुदम ब्रह्म, निमित्त उपादान दोनों कारण ब्रह्म को मानती है, लेकिन ब्रह्म तो अतिशय निरतिशय निरतिशय बृहत है, बृहत्ता की पराकाष्ठा है, जगत कारण हो ही नहीं सकता ब्रह्म, तो फिर क्या है। प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोध से, तो श्रुति के अर्थ में ही हम युक्ति के बल पर संकोच कर देंगे, हम अपनी तर्कना शक्ति को धूमिल नहीं होने देंगे। तब फिर क्या हो गया, श्रुति को व्यापक ब्रह्म को जो जगत का उपादान कारण कहा, तदात्मान स्वयंकृत बहुश्याम ये प्रजाए यह आदि जो श्रुतियाँ हैं। प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क विरोधात्, प्रतिष्ठित जो प्रामाण्य तर्क है, सिंहासनारूढ़, उसका विरोध अगर श्रुति से होता है तो श्रुति के अर्थ में संकोच होगा, हम अपने प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क को संकुचित नहीं करेंगे। कहते हैं कहीं संकोच किया है या आप ही आके संकोच करने लगे हो। सात सहस्र संवत्सर सत्रगत संवत्सर श्रुतिवत्, सहस्र संवत्सर सत्र, सहस्र संवत्सर सत्र 1000 वर्ष तक का एक अनुष्ठान सत्र विशेष, इतने साल तक तो यजमान जीवित ही नहीं रहेगा तो जैमिन महर्षि ने क्या किया, अहानिवाभिसंख्यत्वात्, जैमिन सूत्र 640,
सात पूर्व पक्ष, आठ पूर्व पक्ष, सात पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया, आठवां पक्ष सिद्धांत रूप में, मनुष्य इतने समय तक जीवित नहीं रह सकता तो शास्त्र का भी संकोच नहीं कर सकते, संवत्सर में संकोच कर सकते हैं, तो वर्ष के स्थान पर दिन कर लें, शास्त्र दिन का सत्र यह संभव है। अब यजमान ही मर जाएगा, एक साल एक हजार वर्ष तक कहाँ तक जीवित रहेगा। तो जैसे दृष्ट मनुष्य की आयु को देखते हुए दृष्टिगोचर जो आयु है, जीवन है, उसको देखते हुए श्रुति के अर्थ में जैमिन महर्षि ने जैसे संकोच किया, क्या है उसको, जघन्यावृत्ति, जघन्य वृत्ति का कहते, जघन्य अपराध, लक्षणावृत्ति को क्या कहते, जघन्य वृत्ति, जघन्य वृत्ति, जघन्य वृत्ति का अर्थ क्या है, अविधा वृत्ति से साक्षात कार्य न चले तो लक्षणा का उपयोग करना चाहिए, ऐसा। जैसे गंगायाम घोषा है, आजकल तो मशीन के द्वारा कर देंगे, गंगा में हीरों की झोपड़ी पल्ली, तो यह संभव नहीं है, फिर क्या करेंगे, गंगा के तट पर। तो गंगा का नाम ही क्यों लिया, पवित्रता पावनता की दृष्टि से, तो वहाँ पर गंगा के धार के स्थान पर तट में लक्षणा कर देते हैं, गंगायाम घोषा है, ऐसे ही यहाँ सहस्र शास्त्र संवत्सर में, शास्त्र को रहने देते, संवत्सर का अर्थ क्या कर देते हैं, दिन, ऐसा। यहाँ विकल्प नहीं है, यहाँ सर्वथा जघन्य वृत्ति का निरूपण है, जघन्य लक्षणावृत्ति, जघन्य वृत्ति आ जाओ, जघन्य अपराध है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा, जीव और ब्रह्म को तुम एक करते हो लक्षणावृत्ति से, जघन्य वृत्ति, ये जघन्य अपराध है तुम्हारा। वाच्यार्थ भूमि में तुम्हारे यहाँ है नहीं जीव की समान, ठीक ही है, तो खींच तान कर लक्षणावृत्ति से करते हो, जघन्य अपराध है, जघन्य वृत्ति। कहीं कहीं जघन्य वृत्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्या हुआ जघन्य वृत्ति सुरेश जी, होता होगा कुछ, क्या करें, सत्र संवत्सर, सत्रगत संवत्सर, संवत्सर श्रुतिवत् कथनचित जघन्य वृत्तिया व्याख्येत्यधिकं शंकमानं प्रति। सांख्य दूषण मति दिशते, या कहा, फिर क्या कहना चाहिए, तो ब्रह्म तो उपादान कारण हो नहीं सकता, फिर क्या होगा, श्रुति के विरुद्ध है तो हम नहीं जा रहे, कह रहे नहीं नहीं श्रुति तो अपने स्थान पर है, लेकिन प्रतिष्ठित प्रामाण्य, प्रतिष्ठित प्रामाण्य तर्क, लोक सम्मत जो तर्क है उस तर्क को प्रतिष्ठित रखते हुए हम क्या करेंगे, श्रुति के अर्थ में ही संकोच कर देंगे। इस प्रकार से गौणी वृत्ति लक्षणा का हम उपयोग करेंगे, अर्थात ब्रह्म को ताक पे रखकर पृथ्वी जल तेज वायु को ही उपादान कारण के रूप में मान लेंगे। मैं तर्क की प्रधानता से श्रुति को तर्क के पीछे हाँकना, ये वैशेषिक न्याय हो गया। एतेन इति, भाष्यकार भगवान ने कहा एतेन इति, एतेन अस्य अर्थ कारणात् कार्यस्य भेदं तदन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्य इत्यत्र निषेत्स्यामः। इस पर भाष्यकार कहते हैं,
कारणात् कार्यस्य भेदं तदन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः। आगे जो 14वां सूत्र आएगा उसमें इस तथ्य को लेकर हम अधिक व्याख्या करेंगे, क्योंकि सूत्रकार स्वयं ही आगे सूत्र के देने वाले हैं। तदन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः, इस श्रुति की व्याख्या करते समय हम अतिरिक्त पक्ष रखेंगे, यहाँ इसको विराम देते हैं, यहाँ इसका निषेध करेंगे। अविद्या समारोपण च कार्यस्य न्यूनाधिक भावम अन्यत् प्रयोजकत्वाद् उपेक्षित्यामहे। वहीं पर हम इस तथ्य को अविद्या समारोपेण च कार्यस्य, हमारे यहाँ सब असंभव को संभव कर देने वाली एक चीज है, उसका नाम क्या है? अविद्या देवी प्रकृति माया। माया के राज्य में कोई भी असंभव नहीं। किसने लिखा? पंचदशी कार्ड ने। आप अपना खुजलाते रहो सर, लेकिन सर सर करते रहो, हमारी अविद्या माया जो है सब संभव कर देगी। विभु परमात्मा को भी मायाध्यक्षेण प्रकृति ही श्वेते सचराचरम हेतुना अन्य कौनते यह जगत भी परिवर्तते। हमारी प्रकृति अविद्या देवी जो है बस अविद्या से समारोपित सृष्टि है, इसलिए कोई बात नहीं, विसंगति नहीं। इस चीज को हम इस संभावित सूत्र के भाष्य में लिखेंगे। तेना वैशेषिकाद्यभिमतस्य तर्कस्य शुष्कत्वेन अव्यवस्थितेह। वैशेषिक हो, नैयायिक हो, सांख्यवादी हो, इन सब के तर्क कैसे हैं? शुष्क हैं, सरस नहीं है। शास्त्र सम्मत जो तर्क होते हैं उसको नीरस नहीं कह सकते, और शास्त्र विरुद्ध जो तर्क होते हैं वो शुष्क होते हैं। शुष्क तर्क के द्वारा शास्त्र सम्मत अतीन्द्रिय पदार्थ का निर्णय शास्त्र सम्मत विधा को छोड़ के करोगे तो कहाँ जाओगे? पूर्व मीमांसा का मतलब क्या हुआ? न कदाचित अनिदृश्यम जगत, उनके यहाँ महाप्रलय है ही नहीं, तो आकाश आदि की रचना होती ही नहीं है, कार्य नहीं है, तो माया को मानने की क्या आवश्यकता है? मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ पढ़िए, हिंदी अनुवाद सहित चौखम्बा से प्रकाशित है, समझने में संस्कृत कठिनाई हो तो हिंदी अनुवाद सहित, और वो उदासीन संप्रदाय के जो संत उनका अनुवाद है। मीमांसा मान मेयोदय नामक ग्रंथ पढ़िए, पूर्व मीमांसा के अनुसार सृष्टि की संरचना कैसे हो सकती है, इस पर विचार किया गया। सामान्य नियम यह है कि न कदाचित अनिदृश्यम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। पूर्व मीमांसक महाप्रलय को नहीं मानते हैं, खंड प्रलय को मानते हैं, सृष्टि की रचना ही नहीं मानते हैं। अनादिकाल से सृष्टि है, अनंत काल तक चलती रहेगी प्रवाह रूप से। बीच बीच में क्या हुआ? भूकंप हो गया, कुछ हो गया, आंधी आ, क्या क्या कोरोना आ गए, क्या क्या सुनामी लहर, कुछ खंड कुछ खत्म। तो जब सृष्टि अनादिकाल से है, न कदाचित अनिदृश्यम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, तो उनको फिर माया आदि की जरूरतें नहीं पड़ती। सृष्टि की रचना हो तब तो ईश्वर को माने माया को माने, तो माया को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। तब उन्होंने फिर बहुत पूर्व पक्ष आया, तब उन्होंने आरंभवाद को मान लिया। किन्होंने? मीमांसकों ने। मीमांसा मान मेयोदय नामक जो ग्रंथ है उसमें फिर आरंभवाद वैशेषिकों की प्रक्रिया है उसी को माना है। किन्होंने? पूर्व मीमांसकों ने। उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, मीमांसा मान मेयोदय।
हमने पढ़ा है, शायद पढ़ाया भी है किसी को, वृंदावन अविद्या समारोह प्रेरणाचा कार्य से अन्यूनाधिक भाव वन्य प्रयोजकत्वाद उपेक्षित उपेक्षा उपेक्षिष्यामहे तेन वैशेषिकादि अभिमत से तर्क से शुष्कत्वेन अव्यवस्थिते सूत्रमिदं सांख्य दूषण मति दिशति। यह जो सूत्र है सांख्यों के पक्ष में जो दूषण है उसका अपनोदन करने के लिए, बाकी तो फिर क्या है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। प्रधान मल्ल निवारण न्याय से, प्रधान मल्ल क्या होगा भरद्वाज, हाँ प्रधान मल्ल निवारण न्याय से जब सांख्यों को पछाड़ दिया तो वैशेषिक आदि की तो गिनती ही क्या है, क्योंकि वैशेषिकों के न्याय को कोई महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि शुष्क तर्क इनके यहाँ बहुत है, उसके आधार पर श्रुति को घसीटते हैं। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, क्या सांख्यों को ही नहीं टिकने दिया गया, तो वैशेषिक किस खेत की मूली है हिंदी में कहें तो। यत्र कथंचित वेदानुसारिणो मन्वादि विशिष्टैः परिगृहीतस्य सांख्य तर्कस्य ईशा गति तत्र परमाणादि परमाणुवादस्य अत्यंत वेद बाह्यस्य मन्वाद्युपेक्षितस्य च कैव कथयति। कैमुत का न्याय है, देवल इत्यादि महर्षियों ने जहाँ कहीं सांख्यों के पक्ष को प्रकृति को स्वीकार किया है उसका समादर करके जब हमने सांख्यों को ही टिकने नहीं दिया सूत्रकार महाभाग ने, तब ये तो होते ही कौन है, कौन वैशेषिक यही कह रहे, क्या कह रहे, परमाणुवादी को तो स्वीकार ही नहीं किया है कौन, व्यास जी ने मनु जी आदि ने, कहीं नाम भी ले लिया है तो पूर्व पक्ष के रूप में लिया है, सिद्धांत रूप में तो कहीं परमाणुवाद वैशेषिकों का टिकता ही नहीं है, इसलिए पृथक से कोई श्रम नहीं किया गया सूत्रकार के द्वारा। सांख्य के निराकरण से वैशेषिक आदि का निराकरण मानो हो ही गया समान वाचो युक्ति से। केनचित अंश न इति, केनचित अंश न का अर्थ है कहीं परमाणु का नाम भी ले लिया है मनुस्मृति आदि में तो समझना चाहिए कि पूर्व पक्ष के रूप में उद्भाषित किया गया, पूर्व पक्ष सदा सत्य ही होता है ऐसा मानना उचित है। सृष्ट्यादयो ही व्युत्पाद्यास्ते च किंचित सदसत्वा पूर्व पक्ष न्यायोत्प्रेक्षितमप्युदाहृत्य व्युत्पाद्यंत इति केनचित अंशेन इत्युक्तम सुगमम अन्यत। यहाँ कहीं परमाणु की चर्चा भी कर दी है मनु आदि महाभाग ने तो वहाँ कोई सिद्धांत के रूप में नहीं पूर्व पक्ष के रूप में उनके मत को ख्यापित किया गया है, इसलिए पृथक से कोई वैशेषिक आदि के सिद्धांत के खंडन की आवश्यकता नहीं। बाकी भाष्य सुगम नारायण।